बात करेंगे टाटा स्टील की, और टाटा स्टील में फिर से टारगेट निकल कर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के कह रहे हैं कि 120 रुपए करीब के इसके टारगेट हैं और 117 रुपए करीब का इसका स्टॉप लॉस है। लोग इसके अंदर टारगेट देते रहेंगे, लेकिन मेरी जो मंशा इसके अंदर अपने प्रॉफिट की कमाने की है और कुछ शेयरों को अलग से भी रखने की है। जिस तरीके से मैं आपको हर बार कहता हूं कि आपको एक अलग से डीमैट अकाउंट भी खोलना चाहिए, उसके अंदर कुछ शेयरों को रखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलते हो तो मुझे उनके नाम का बारे में पता लग जाता है कि किन ने अकाउंट खोला है। तो एक अकाउंट और खोलिए, कुछ शेयर को इस तरीके से रखिए उन्हें कभी आपको देखने का मौका ना मिले, जिस तरीके से मैंने IOC, इंडस टावर और 3-4 और अच्छे अच्छे शेयरों को रखा है। उसके अंदर हमें पता ही नहीं उसके अंदर और क्या रहा है, क्योंकि उसको हमने रखकर छोड़ा हुआ है, और बाकी जो है उसके अंदर से हम जब भी प्रॉफिट आता है तभी निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर आज अपने RVNL के शेयरों को अपर सर्किट में निकाल दिया है। अब लोग कहेंगे आप तो पागल हो सर, अब तो ये बढ़ रहा है, कल को और ये जाएगा 150-200 रुपये में जाएगा, लेकिन उससे पहले वो कमाने के मौके भी तो हमें चाहिए। उसके लिए एक अलग डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर मैंने बेचा तो आपको नहीं बेचना, क्योंकि मैंने तो अडानी विल्मर को भी बेचा था ऊपर, लोगों ने तब भी मुझे कहा सर इसने तो अगले दिन भी अपर सर्किट मारा था, फिर अडानी विल्मर नीचे आ गया ना। तो सारी दिशा आपको बनानी चाहिए। एक न्यूज़ और निकल के टाटा स्टील में जो आ रही है, जो जता रही है कि अगर इनका मेगा मर्जर वाला प्लान जो अपनी साथ अपनी कंपनियों को मिला रहे हैं वो हो जाएगा जल्दी, इसकी भी खबरें आ रही हैं। अभी डेट नहीं आई, अगर ये जल्दी से इस तरीके का काम टाटा स्टील में हो जाए तो फिर ये आपको 150 के लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि अदर कंपनियों को अपने साथ मिलाएंगे हमको करने से, और प्रोडक्शन जिस तरीके से होता है फिर ये सारा का सारा रूपरेखा टाटा स्टील के द्वारा बनाई जाएगी, किसको खरीदना, किसको बेचना है, क्या लाना है, क्या करना है। तो ये एक ही मैनेजमेंट के अनुसार फिर ये सारा काम होगा, तो ये भी जल्दी से वर्क होने वाला है। तो टाटा स्टील यहाँ पर मजबूत कदम के साथ है, पर वो फॉर्मूला मत भूलना कि कुछ शेयर हमें प्रॉफिट और आधे शेयर रखने वाले भी चाहिए। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है अंजल वन का, तो वो आपको अपना एक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए और इससे आपको अपनी प्रॉफिट को और बड़ा करना चाहिए, नहीं तो कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा। हम